नमस्कार। बिन बह होए न प्रीत, कई जगह आपको विनम्रता से काम नहीं चलाना पड़ता बल्कि आपको हिम्मत और ताकत दिखानी ही पड़ती है। आपकी ताकत और प्रतिक्रिया दुश्मन को मजबूर करती है कि वो कोई भी संगीन कदम उठाने से पहले 100 बार सोचे, और कम से कम भारत और पाकिस्तान के मामले में ये जरूर कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के साथ बात करनी हो तो उंगली को टेढ़ा करना ही पड़ता है। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं इंडिया चाहता है। पाकिस्तान का आतंकवाद फिर से अपना नंगा रूप दिखाने लगा है। कभी ड्रोन के जरिए उड़ते आतंक के रूप में, तो कभी श्रीनगर में पाकिस्तानी आतंकी के रूप में। आज 33% इंडिया ये जानना चाहता है कि ड्रोन से आतंकी हमला करने वाला पाकिस्तान दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। 25% लोग ये जानना चाहते हैं कि कश्मीर में आतंकवादियों के सफाई के लिए कब पूरा होगा ऑपरेशन ऑल आउट, और 23% लोग ये जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से जो आतंक वाले ड्रोन पर ड्रोन आ रहे हैं, इस साजिश में पाकिस्तान का असली पार्टनर कौन है। इन सारे सवालों की गुत्थी आज सुलझेगी। आप देखिए तो हिंदुस्तान में हर आतंकी घटना के पीछे एक ही नाम है, पाकिस्तान। बावजूद इसके हर बार उसकी आतंकवादी साजिश और वारदात बेनकाब हो जाती है। जम्मू में ड्रोन वाले आतंकी हमले में शक की सुई पाकिस्तान की तरफ घूम चुकी है। इस मामले में एनआईए ने जांच शुरू कर दी है और इस कड़ी में थोड़ी देर पहले ही उसकी टीम जम्मू पहुंच चुकी है। सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है, इस बात का पता लगाया जा रहा है कि स्थानीय स्तर पर आतंकवादियों को मदद करने वाला कोई और है तो वो कौन है। कोई पाकिस्तानी तो छुपकर मदद नहीं कर रहा है, या कोई वतन का ही गद्दार है जो पाकिस्तान के साथ मिल चुका है। इस मामले में सेना की आंतरिक जांच भी साथ साथ चल रही है। और इन सबके बीच एबीपी न्यूज को यह जानकारी मिली है कि पाकिस्तानी आतंक को ढोने वाले ड्रोन चीन के बने हुए हैं। चीन और पाकिस्तान की आतंकी जोड़ी ने कैसे ड्रोन को आतंकी हमले का हथियार बनाया, इस पर देखिए मेरे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। भारत के खिलाफ नई आसमानी साजिश। भारत के खिलाफ पाक की नई चाल। आतंक के हाथों में नया खतरनाक हथियार, ड्रोन। लगातार 3 रातों में तीसरी बार ड्रोन की दहशत। 29 जून 2021 रात करीब 1:30 बजे कुंजवानी चौक इलाके में ड्रोन देखा गया। उसी रात करीब 3 बजे कुंजवानी इलाके में फिर से ड्रोन उड़ता देखा गया। उसी रात करीब 3:30 बजे कालूचक इलाके में ड्रोन की गतिविधियां देखी गईं। उसी रात करीब 4 बजे सुजवा इलाके में ड्रोन उड़ाए गए। उसी रात तड़के करीब 4:30 बजे सुजवा इलाके में फिर से ड्रोन उड़ते नजर आए। अल सुबह करीब 4:50 कालूचक में फिर से ड्रोन की दहशत। रात के अंधेरे में जम्मू में सेना के 3 इलाकों के आसपास ड्रोन की 6 गतिविधियां बता रही हैं, साजिश बड़ी है और आतंकी किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। पहले भी AK-47 आता था, ड्रग्स ड्रॉप करते थे, पहली बार नहीं है, कोई चौंकाने का जरूरत नहीं है। आइसोलेटेड इंसिडेंट है, हमारा जो सिक्योरिटी फोर्सेस है मजबूत है, ऐसे इंसिडेंट्स को हम ठीक तरीके से हम फेस करेंगे, कोई डरने की बात नहीं। 27 जून 2021 करीब आधी रात। 27 और 28 तारीख की रात को भी अंधेरा होते ही जम्मू के कालूचक मिलिट्री स्टेशन इलाके में 2 ड्रोन्स नजर आए थे। क्विक रिएक्शन टीम्स ने इन ड्रोन्स पर फायरिंग की, लेकिन ये दोनों ड्रोन्स लौट गए। 27 जून 2021 रात 1:37 26 और 27 की रात को भी अंधेरा होते ही ड्रोन के जरिए साजिश रची गई। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के टेक्निकल एरिया में 2 धमाकों को अंजाम दिया गया था। लगातार बढ़ती गतिविधियां दिखा रही हैं, ड्रोन के जरिए साजिश की तैयारी बड़ी है और पाकिस्तान के इशारे पर आतंकी किसी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकते हैं। परसों हम लोग जाके एक जिसमें आर्मी, CRP, एयरफोर्स,
BSF, NSD के हर एक लोग के साथ मीटिंग लिए, पूरा तैयारी कर लिए। थ्रेट बहुत सीरियस थ्रेट है, यह टेक्नोलॉजिकल थ्रेट है, इसको टेक्नोलॉजी के थ्रू भी हम लोग रिस्पॉन्स करेंगे। आमतौर पर सीमा पर तैनात सुरक्षा बलों ने देखो और मार गिराव की प्रक्रिया अपना रखी है, लेकिन करीब 3300 किलोमीटर लंबी सीमा पर रात के अंधेरे में कई बार ड्रोन चकमा दे जाते हैं और तब पाकिस्तान इन ड्रोन से वही काम लेता है जो उसके लिए कभी बहकाए गए आतंकी किया करते थे। इस ड्रोन अटैक में बड़ा हादसा भले ही ना हुआ, लेकिन बड़े हादसे की घंटी बज गई है। सेना के उच्च स्तरीय सूत्रों से एबीपी न्यूज को जो खबर मिली है वो इस मामले में चीन और पाकिस्तान की मिलीभगत और साजिश को बेनकाब करती है। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों को इस हमले में चीन में बने ड्रोन के शामिल होने की आशंका है। ये ड्रोन चीन से पाकिस्तान को मिले थे। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने ड्रोन आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा को मुहैया कराए। जांच से जुड़े एक आला अधिकारी ने बताया कि चीन ने कुछ समय पहले ही अपने यहाँ निर्मित ड्रोन पाकिस्तान को दिए थे। इसके बाद आए खुफिया इनपुट्स में बताया गया था कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने ये ड्रोन आतंकी संगठनों को उपलब्ध करा दिए थे। मौके से मिले मलबे से भी इस बात की फॉरेंसिक जांच की जा रही है। ताजा ड्रोन हमलों का लिंक पाकिस्तान से भी इसलिए जुड़ रहा है क्योंकि पिछले साल तालिबान आतंकियों ने काबुल में ऐसे ही ड्रोन के जरिए हमला किया था। उस ड्रोन में सेटल में ग्रेनेड बंधे हुए थे। पाकिस्तान के पास खाने को पैसे नहीं है, ऐसे में उसे ड्रोन चीन के अलावा और कहां से मिल सकता है। दोनों देशों के आतंकी कनेक्शन की पोल नेपाल से आती ड्रोन की एक खेप से मिल जाती है। 26 जून की शाम बिहार नेपाल बॉर्डर पर एक कार से 8 ड्रोन और कैमरे जब्त किए गए। ये 8 ड्रोन मेड इन चाइना है। 3 लोगों के खिलाफ तस्करी का मामला दर्ज किया गया है। सवाल ये है कि इन ड्रोन को भारत लाने का मकसद क्या था, क्या इनका भी आतंकी कनेक्शन था। सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान इस साजिश की तैयारी पिछले लंबे समय से कर रहा है। उसकी इस साजिश में न सिर्फ आतंकवादी संगठन बल्कि उसकी सेना के शीर्ष कमांडरों और खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों ने आतंकवादियों को ड्रोन ट्रेनिंग में मदद भी की थी। बताया जा रहा है कि अप्रैल महीने में पाकिस्तान में भारत को ड्रोन से निशाना बनाने को लेकर बैठक भी हुई थी। कुल मिलाकर चीन के ड्रोन, पाकिस्तान की मदद और पाकिस्तानी आतंकवादियों की साजिश ने मिलकर जम्मू कांड करना चाहा। उनको कामयाबी नहीं मिली, लेकिन भारत के लिए अब पाकिस्तान को करारा जवाब देने का वक्त आ गया है। दिल्ली से ओम प्रकाश तिवारी के साथ जम्मू से अजय बाशलू की रिपोर्ट। 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370 को अब खत्म हो चुका है। इससे घाटी में शांति बहाली की कोशिशें तेज हुई तो उधर पाकिस्तानी आतंकी कोशिशों में लगातार लगा हुआ है। तब से लेकर अब तक सरहद के पास 300 से ज्यादा ड्रोन या अज्ञात वस्तुएं आज तक देखी गई हैं। इस ग्राफिक्स को ध्यान से देखिए, जम्मू और पंजाब के आसपास की जो सरहद है 2019 में 167 बार इस इलाके में ड्रोन देखे गए। 2020 में यह संख्या 77 की थी और 2021 में अब तक 60 ड्रोन जैसी चीजें इस इलाके में बॉर्डर के आसपास देखी गई हैं। तो ड्रोन के जरिए साजिश का अंदेशा सरकार और सेना को पहले भी है। जम्मू में अभी ड्रोन से आतंकी हमला हुआ है, लेकिन ड्रोन से आतंकवाद के साजो सामान की सप्लाई काफी पहले से शुरू हो चुकी थी। उस पर सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों की नजर थी, लेकिन आसमानी आतंक पहली बार उतरा है। अब हम आपको पाकिस्तान का ड्रोन कनेक्शन भी समझाते हैं। पुलवामा कांड के बाद बालाकोट में स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने अपनी नई रणनीति बनाई। उसने नियंत्रण रेखा या सरहद पर BSF के फॉरवर्ड पोस्ट के पास अपने इलाके में ड्रोन से निगरानी शुरू की थी। साथ ही ड्रोन से घाटी में हथियार, बारूद और ड्रग्स की तस्करी भी वो करने लगा था। पाकिस्तान ने बॉर्डर के पास चमन खुर्द पोस्ट पर कंट्रोल रूम बना लिया सिर्फ ड्रोन की निगरानी के लिए। साथ ही इस बीच चीन से पाकिस्तान को बड़ी मात्रा में ड्रोन मिले हैं, जैसे कि जानकारी हमको हमारे सूत्र बता रहे हैं। भले ही ड्रोन के जरिए हुए इस हमले से ज्यादा नुकसान ना हुआ हो, मगर सुरक्षा के लिहाज से ये बेहद गंभीर घटना है। आनन फानन में सुरक्षा एजेंसियां इस हमले की तह तक अब पहुंचने में लगी हैं। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और NSA अजीत डोवाल के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने
गंभीर चर्चा की तो कल केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस हमले पर चर्चा के पूरे आसार हैं। भारत ने पाकिस्तानी ड्रोन के मामले को इतनी गंभीरता से लिया है कि संयुक्त राष्ट्र में भी पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को आज बेनकाब किया गया। ड्रोन हमले का जवाब निंदा से नहीं हो सकता, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। कुछ ऐसा ही सच है पाकिस्तान का। पाकिस्तान के मुद्दे पर आज हाई लेवल बैठक में भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बुलाई बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। बैठक में ड्रोन हमलों पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री के साथ इस बैठक में जम्मू में हुए ड्रोन हमले को लेकर सभी तथ्यों से प्रधानमंत्री को वाकिफ कराया गया। इसके अलावा ड्रोन हमले की चुनौती, उससे जुड़े उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई। सेना को आधुनिक हथियारों से लैस करने, आधुनिक तकनीक मसलन जियो फेंसिंग की उपलब्धता और दुनिया भर में उसको लेकर सहमति बनाने पर भी बैठक में चर्चा हुई। साथ ही संयुक्त राष्ट्र में भारत ने ड्रोन्स के आतंक के इस्तेमाल का मसला उठाकर पाकिस्तान को खरी खरी सुना दी। संयुक्त राष्ट्र में बोलते हुए अंतरिक्ष सुरक्षा के विशेष सचिव VSK कोमदी ने कहा, हथियारों की तस्करी, इंटेलिजेंस कलेक्शन और टारगेट पर हमले के लिए आतंकवादियों द्वारा ड्रोन का इस्तेमाल पूरी दुनिया के लिए खतरा है। आज ड्रोन आतंक का जो खतरा है उसकी आहट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत पहले ही भांप चुके हैं। वी आर आल्सो विटनेसिंग इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वेपन्स एंड एमुनिशन यूजिंग ड्रोन्स, व्हिच डज नॉट ऑगर वेल फॉर पीस, बिकॉज ऑल दीज वेपन्स एंड एमुनिशन एंड ड्रग्स दैट आर बीइंग सेंट इनटू आवर कंट्री थ्रू ड्रोन्स आर ऑब्वियसली मेंट टू डिसरप्ट द इंटरनल पीस प्रोसेस। अब तो ड्रोन से आतंकी हमला हो गया, लेकिन पाकिस्तान बीते 2 साल से ड्रोन को अपना हथियार बना चुका है। साल 2019 में ही पाक ने भारत में ड्रोन भेजने शुरू कर दिए थे। हमने 11 मार्च 2019 को ही फाजिलका में कैमरे में कैद किए गए ड्रोन की तस्वीर दिखाई थी। ABP न्यूज की नज़र पाकिस्तान की इस नापाक साजिश पर लगी हुई है। हमने लगातार रिपोर्ट दिखाई कि पाकिस्तान कैसे ड्रोन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर रहा है। पिछले साल नवंबर में पुंछ के मेंढर में ये उड़ता हुआ ड्रोन कैमरे में कैद हुआ। इस ड्रोन के जरिए आतंकियों के लिए रेकी की जा रही थी। साल 2019 में पाकिस्तान ने ड्रोन के जरिए हथियारों की खेप भेजी थी, जिसे भारतीय सुरक्षा बलों ने पकड़ लिया, जिसमें 5 AK-47 राइफल, 4 पिस्टल, 9 हैंड ग्रेनेड, 5 सैटेलाइट फोन खालिस्तानी आतंकियों के लिए भिजवाए गए थे, लेकिन वारदात होने से पहले ही ये स्लीपर सेल पकड़ा गया। इसी तरह रात के अंधेरे में ड्रोन से पाकिस्तान ड्रग्स की सप्लाई भी करता रहा, और अब तो बात ड्रोन से हमले तक पहुंच गई है। रक्षा मंत्री कल ही चेतावनी जारी कर चुके हैं। यदि हमको किसी ने आंख दिखाने की कोशिश की है तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने की कुवत भी हमने अपनी दिखाई। लेकिन पाकिस्तान चेतावनियों से मानता कहां है? अभी तो पाकिस्तान भारत के बदन पर ड्रोन से जो जख्म दे रहा है, अगर वक्त रहते ना संभले तो ड्रोन की साजिश भारत के लिए नासूर बन सकती है। दिल्ली से विकास भदौरिया के साथ आशीष कुमार सिंह की रिपोर्ट। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि चाहे कूटनीति से हो या फिर रणनीति से, भारत ने पाकिस्तान का मुकम्मल इलाज करने का इंतजाम कर लिया है। इसीलिए एक तरफ संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के ड्रोन वाले आतंकी चेहरे को बेनकाब किया, तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी रडार के खात्मे का भी प्लान चल रहा है। हालांकि ड्रोन के खात्मे में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि ड्रोन सामान्य रडार की पकड़ में अमूमन नहीं आते हैं, लेकिन सेंसर और रडार के संयुक्त इस्तेमाल से ड्रोन का पता लगाया जा सकता है। इसके लिए मिलीमेट्रिक वेव रडार का इस्तेमाल किया जाता है, जो बेहद छोटी चीज को भी पकड़ पाता है। वैसे ही इंफ्रारेड सेंसर के जरिए ड्रोन की आहट को तुरंत भांपा जा सकता है, और पता लगने के बाद ड्रोन पर बंदूक से सीधा निशाना लगाकर उसको नष्ट किया जा सकता है, या फिर हाई पावर लेजर से भी ड्रोन का खात्मा किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर एक तरफ पाकिस्तान का ड्रोन वाला आतंकी हमला है, तो दूसरी तरफ वो आतंकी हमले के अपने परंपरागत तरीकों से भी बाज नहीं आ रहा है। जहां 5 साल पहले हमारी सेना और सुरक्षा एजेंसियों ने ऑपरेशन ऑल आउट शुरू किया था, आतंक के सफाई के लिए वो एक शानदार पहल थी,
उसी कड़ी में कल शाम से आज सुबह तक चले श्रीनगर वाले एनकाउंटर में हाफिज सईद का वो आतंकी मार गिराया गया जो घाटी में आतंक का नया पर्याय बन रहा था। ये आतंकियों की हताशा है। ऐसे धमाकों में पाक की बेबसी चीख रही है। ये आंसू आतंक के ताबूत में आखिरी कील हैं। ये तीन तस्वीरें दिखा रही हैं कि कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, जहां सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के आगे आतंक के मंसूबे अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं। श्रीनगर में कल शुरू हुआ एनकाउंटर आज खत्म हुआ। इस एनकाउंटर में कुल दो आतंकी मारे गए। मरने वालों में कल पकड़ा गया लश्कर का कमांडर आतंकी नदीम अबरार भी शामिल है। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज साफ कर दिया कि एसपीओ फयाज अहमद के परिवार की हत्या करने वाले दो आतंकियों की पहचान हो गई है। इसमें एक स्थानीय और दूसरा बॉर्डर पार से आया था। उसमें जैश मोहम्मद का एक पाकिस्तानी मिलिटेंट था और एक जैश का लोकल मिलिटेंट उसमें इन्वॉल्व था। उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए हैं, पीछे पड़े हैं, ट्रैक कर रहे हैं, बहुत ही जल्दी उसको हम लोग न्यूट्रलाइज कर लेंगे। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत अब तक पाकिस्तान से भेजे गए 950 से ज्यादा आतंकियों को ठिकाने लगाया जा चुका है, जिससे लश्कर ए तैयबा का 10 लाख का वांछित आतंकी बशीर लश्करी, लश्कर का ही कमांडर जुनैद मट्टू, हिजबुल मुजाहिदीन का ऑपरेशनल कमांडर मोहम्मद यासिर यहू, आईएस के संगठन अंसार गजावत उल हिंद का आतंकी बुरहान कोका भी शामिल है। आतंकियों के सफाई में बड़ी कामयाबी ये है कि स्थानीय लोगों से मिली सूचनाओं से आतंकियों के सफाई में मदद मिल रही है। पीएम मोदी पहले ही साफ कर चुके हैं कि कश्मीर में शांति आतंक के सफाई के बाद ही आ सकती है। हमें आतंकवाद के खिलाफ जब हम लड़ाई लड़ते हैं, तब हम इस पूरे भूभाग के शांति और सुरक्षा के लिए भी हमारी भूमिका अदा करने के लिए सक्रिय काम कर रहे हैं। एक तरफ सीमा पर कड़े पहरे से आतंकियों का घुसना मुश्किल हो गया है, वहीं कश्मीर में पहले से भेजे आतंकियों की संख्या लगातार घट रही है। नए आए आतंकी भी तुरंत ही खत्म किए जा रहे हैं और बचे खुचे आतंकी अब निहत्थे एसपीओ या सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाकर अपनी हताशा निकाल रहे हैं। अब आतंकियों को स्थानीय समर्थन मिलना भी कम हो रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान ड्रोन हमलों जैसी साजिशों में लग गया है। लेकिन इसका तोड़ भी भारतीय सुरक्षा एजेंसियां जल्द निकालेंगी। अब जो आगे मैं आपको दिखाने वाला हूं वो बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसको देखकर आपको खुशी भी होगी। ऑपरेशन ऑल आउट का असर अब दिखने लगा है। घाटी में आतंकवादी हरकतें कम हुई तो दूसरी तरफ आतंकियों को भी लग गया कि अब चकमा देकर भाग जाने के बाद कि जो दिन थे वो लद रहे हैं। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत 2017 में 220 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। 2018 में 271 आतंकियों को सफाया किया गया। 2019 में 163 आतंकियों का काम तमाम कर दिया गया। 2020 में सुरक्षा बलों ने मिलकर 232 आतंकियों को मारा और 2021 में ये 27 जून तक के आंकड़े हैं, 67 आतंकियों को अब तक मार गिराया जा चुका है। कश्मीर में आतंक कम हो रहा है, लेकिन अब वहां उबाल आ रहा है धर्म परिवर्तन के मुद्दे को लेकर। जी हां, एक नया मामला कश्मीर घाटी में उठ रहा है। दरअसल सिख समुदाय की 3 लड़कियों को अगवा कर उनके साथ जबरन शादी करने का और धर्म बदलने का एक विवादित मामला सामने आया है। इससे लेकर सिख समुदाय की नाराजगी अब सड़क पर दिखाई दे रही है, लेकिन आज इस मामले में एक नया मोड़ आया, बहुत ही संगीन मोड़। हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी की ये रिपोर्ट देखिए। धर्म परिवर्तन बंद करो, धर्म परिवर्तन बंद करो, बंद करो की बेटियों का धर्म परिवर्तन बंद करो, बंद करो की बेटियों का धर्म परिवर्तन बंद करो, बंद करो। शादी हुई होती, शादी नहीं हुई तो एडमिनिस्ट्रेशन माँ बाप को लड़की नहीं सौंपता, नहीं सौंपता कभी। शादी नहीं हुई, शादी नहीं हुई। अब 8 साल पुराना सर्टिफिकेट कोर्ट के पास जाएगा तो कोर्ट क्या कहेगी? कोर्ट यही कहेगी कि आप देखिए जी, 8 साल से कश्मीर में सिख लड़कियों को अगवा कर उनसे जबरन निकाह और धर्म परिवर्तन करने का मामला तूल पकड़ रहा है।
श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक इसकी गर्मी नजर आ रही है। आरोप है कि लड़कियों को अगवा कर इनकी शादी जबरदस्ती मुस्लिमों से करवाई गई और फिर उनका धर्म बदला गया। लेकिन इस मामले में अचानक नया मोड़ तब आ गया जब इन तीन लड़कियों में से एक लड़की की आज सिख लड़के से शादी हुई। शादी के बाद अकाली नेता परमजीत सिंह सरना ने कहा कि न तो लड़की का धर्मांतरण हुआ और न ही मुस्लिम से शादी। नहीं नहीं, शादी नहीं हुई। देखिए, अगर शादी हुई होती, शादी नहीं हुई तो एडमिनिस्ट्रेशन माँ बाप को नहीं सौंपता। नहीं सौंपता कभी भी। शादी नहीं हुई थी। शादी नहीं हुई थी। दूसरी तरफ इस लड़की से जबरन शादी में पुलिस ने शाहिद भट्ट को आरोपी बनाया है। अब ऐसे में सवाल भी उठता है कि जब शादी हुई नहीं और धर्म भी बदला नहीं तो फिर केस का क्या होगा। दूसरी तरफ बाकी दो लड़कियों को उनके परिवार को नहीं सौंपा गया है। इनमें से एक लड़की ने वीडियो संदेश जारी कर अपनी मर्जी से धर्म बदलने की बात कही है। 2012 में कन्वर्टेड हुई हूँ, 2014 में मेरे निकाह हुए हैं मेरे बैचमेट मुजफ्फर के साथ जो मेरी और उसकी रजामंदी से हुए हैं। उसके बाद 6 जून 2021 मैं अपने घर से निकली। मैंने अपने घर में कॉल भी किया कि मैं अपनी मर्जी से निकली हूँ, मुझे ढूंढना नहीं। और विद इन 2 घंटे में पुलिस ने मुझे लोकेट कर दिया और सदर पुलिस स्टेशन बागात ले आए। इनमें से एक लड़की का परिवार धर्म परिवर्तन की बात कह रहा है और अपनी आपबीती सुना रहा है। और मेरी बीवी यहाँ पर थी खाली है। तो इसने हमको आ गया तो वहाँ पर लड़की थी, लड़की को पकड़ा, घसीटते घसीटते लेकर गाड़ी में उसने भर दिया। मैंने शोर मचाने की कोशिश की, कहता मैं अगर आप शोर करोगे तो हम आपको पिस्टल से मार देंगे। उसको बहुत गिटार से किया। उसकी एज कितनी है आपकी? उसकी सर 18 साल है। और जो वो लड़का था उसकी एज? उसकी तकरीबन 50 की अबव है। 50 उसका काम ही है बस, ये डराना दपैनी बीवी जो उसने शादी किया वो भी उठाकर लाई थी लड़की। धर्म परिवर्तन को लेकर श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक हंगामा मचा। सिख संगठनों ने आज गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी से मुलाकात की और जम्मू कश्मीर में धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून लाने की मांग की। ये इशू जो हम आज राज्य गृह मंत्री साहब के पास लेके आए हैं कि एक्ट बनने में भी टाइम लगेगा, आप ऑर्डिनेंस बनाएं, ऑर्डिनेंस करके इमीडिएटली इसको लागू करें जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में है। हम इसकी डिमांड करते हैं। धर्म परिवर्तन एक संवेदनशील मुद्दा है। ये आरोप बेहद गंभीर है लेकिन इन तीनों ही मामलों में अभी पेच फंसा हुआ है। अब सवाल यह है कि क्या ये लड़कियां अपनी मर्जी से घर से भागी थी या फिर धर्म परिवर्तन के लिए इन्हें जाल में फंसाया गया। दिल्ली से संवाददाता अंकित गुप्ता के साथ श्रीनगर से आसिफ कुरैशी की रिपोर्ट। आतंक का सफाया नो डाउट बहुत जरूरी है, जबरन धर्मांतरण की घटनाओं को रोकना भी बेहद जरूरी है। इनके साथ ही आज कोरोना को रोकना भी बहुत जरूरी है, बल्कि उसका सफाया करना हम सब के लिए बेहद जरूरी है। इसके लिए सबको वैक्सीन लगे और ये जरूरी है, लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं तब तक आपकी हिफाजत आपके अपने हाथ में है। बस हमेशा मास्क पहन कर रखिए, खुद भी पहनिए, दूसरों को भी समझाइए। और जिनके पास मास्क नहीं है और आप उनको अगर मास्क दे सकते हैं तो ज़रूर उनको मास्क दें। तीसरी लहर में भी मास्क का कोरोना का खतरा बना हुआ है, मास्क पहनकर ही कोरोना को हराया जा सकता है। #MaskUpIndia हमारी मुहिम में जो लोग शिरकत करते हैं आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। मास्क पहनकर रखिए, अपने दोस्तों को भी प्रेरित करिए। हम सब मिलकर ही जब मास्क पहनेंगे तभी कोरोना की तीसरी वेव को मात दे पाएंगे। बात यूपी में मिले धर्म परिवर्तन के उस गैंग की करते हैं जिसका भंडाफोड़ होने के बाद से नए नए खुलासे रोज हो रहे हैं। इस मामले में अब तक यूपी ATS ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये उमर गौतम साहब है, इन पे सबसे बड़ा इल्जाम है इस गैंग को चलाने का। पूछताछ में हैरान करने वाली जानकारी अब सामने आ रही है। पुलिस को पता चला है कि धर्म परिवर्तन के लिए ये लोग कोड में बात किया करते थे। पुलिस को ऐसे 7 कोड मिले हैं, जी हाँ, जो जिसको कोड लैंग्वेज बोलते हैं ना, ऐसे 7 कोड हैं जिसमें से 6 को यूपी ATS ने डिकोड कर लिया है यानी समझ लिया है, लेकिन 1 कोड ऐसा है जिसको अभी भी यूपी पुलिस नहीं समझ पाई है। इस काले खेल की पूरी कहानी क्या है, देखिए मेरे सहयोगी रणवीर की यह खास रिपोर्ट। ऐसे कितने लोग हैं ये, अगर इनको सही रहनुमाई मिले तो इंशाल्लाह तबारक व तआला वो यानी लोगों के लिए नमूना हो सकते हैं। उनके घर में, उनके खानदान में, उनके रिश्तेदारों में, उनकी बिरादरी में, उनके समाज में वो खुद जा सकते हैं जैसे मैं जाता हूँ। धर्म परिवर्तन के खेल का पर्दाफाश हो गया।
खेल के खलीफा सलाखों के पीछे हैं, पर साजिशों के तार इतने लंबे, जिन्हें जितना पकड़ने की कोशिश की जा रही है ये उतना ही फैलते जा रहे हैं। आखिर कैसे होती थी धर्म परिवर्तन की प्लानिंग, कैसे मूक बधिर बच्चों को किया जाता था ब्रेन वॉश, क्या ये धर्म परिवर्तन के वो सात कोड हैं जिनका इस्तेमाल इस साजिश में किया गया। मूक बधिर बच्चों के बीच जो है इस तरह के धर्मांतरण की कार्रवाई की जा रही थी, और मूक बधिर बच्चों को ही एक बार कन्वर्ट करके उन्हीं को आगे बढ़ाकर और भी लोगों को जो है धर्मांतरित करने का प्रयास किया जा रहा था। आज एबीपी न्यूज पर धर्म परिवर्तन के इन खलीफाओं का हर कोड होगा डीकोड। यूपी पुलिस और एटीएस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे मजबूरी का फायदा उठाकर धर्मांतरण कराने वाले इस गैंग के बारे में नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। एटीएस को पता चला है कि धर्मांतरण कराने वाला ये रैकेट कोड वर्ड्स का इस्तेमाल करता था। कुल 7 कोड वर्ड्स बनाए गए थे, जिनमें से 6 कोड वर्ड्स को डिकोड कर लिया गया है, जबकि एक की रिकॉर्डिंग बाकी है। दरअसल ये सिर्फ कोड नहीं है, इन कोड में छिपी है साजिश की पूरी कहानी। एटीएस ने जब इन्हें डिकोड किया तब ये पता चला कि ये गैंग कितने शातिराना तरीके से मूक बधिर बच्चों के दिमाग में धर्म का जहर घोल रहा था। उमर गौतम का पहला कोड था रिवर्ट बैक टू इस्लाम प्रोग्राम। इस कोड को जब डिकोड किया गया तो पता चला कि इसका मतलब है धर्म परिवर्तन कराना। बच्चों को इस्लाम कबूल कराने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। धर्म परिवर्तन गैंग का दूसरा कोड मुतकी। एटीएस के सूत्रों के मुताबिक इस कोड का मतलब है हक और सच की तलाश करना। इस कोड के जरिए बच्चों के दिमाग में ये बात डाली जाती थी कि उन्हें उनका हक मुसलमान बनकर मिलेगा और इस्लाम के जरिए ही वो सच की तलाश कर पाएंगे। धर्म परिवर्तन का तीसरा कोड सलात। इस शब्द का इस्तेमाल नमाज के लिए किया जाता है। सवाल यह है कि धर्म परिवर्तन अगर बिना किसी लालच के कराया जा रहा था तो फिर कोड वर्ड रखने की जरूरत क्या थी? आखिर ये सारा काम इतने ढके छुपे तरीके से क्यों हो रहा था? एटीएस ने जब 6 में से 3 कोड वर्ड्स को डिकोड किया तो उलझे हुए तार सुलझने लगे। धर्म परिवर्तन गैंग का चौथा कोड वर्ड रहमत। यूं तो रहमत का मतलब दान होता है, लेकिन धर्म परिवर्तन कराने वाले लोगों को ये दान मिल रहा था विदेशों से। विदेशों से आखिर ये फंड इस संस्था को क्यों मिल रहा था? कहीं ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा तो नहीं था? इन सवालों के जवाब तलाशने बहुत जरूरी हैं। जनवरी 2010 से 14 जून 2021 तक 1,82,83,910 रुपए खाते में आए हैं। भारी मात्रा में कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल किया गया है और इन ट्रांजैक्शंस का हवाला नेटवर्क से भी संबंध होना विवेचना के दौरान प्रकाश में आया है। धर्म परिवर्तन का पांचवा कोड अल्लाह के बंदे। इस कोड का इस्तेमाल YouTube या सोशल मीडिया के मूक बधिरों के डाले किसी वीडियो को लाइक करवाने के लिए किया जाता था। धर्म परिवर्तन गैंग का छठा कोड मोबाइल नंबर और जन्म तिथि। मोबाइल नंबर और जन्म तिथि धर्म परिवर्तन करवाने वालों की पहचान थी, यानी जिस शख्स का धर्म बदला जाता था उसका नाम लिखने की बजाय डेटा मोबाइल और जन्म तिथि के नाम पर रखा जाता था ताकि किसी को शक ना हो। धर्म परिवर्तन गैंग का सातवां कोड कौम का कलंक। ये वो सातवां कोड है जिसे डीकोड करने में अब तक यूपी एटीएस की टीम माथापच्ची कर रही है। आखिर किसे ये गैंग कौम का कलंक मानता है? क्या ये वो लोग हैं जो इनके रास्ते की रुकावट बने हुए हैं? जाहिर है इस कोड में अभी बहुत से राज छिपे हैं। हमारे प्रदेश में 32 जिलों पे इस पर जो है खंगाला जा रहा है कहां कहां कब लोग धर्मांतरित हुए हैं, लेकिन इसमें जांच एजेंसी उसके सामने ये भी एक चैलेंज है कि पूरा साक्ष्य इकट्ठा करना, मनी ट्रेल निकालना। 1.5-2 करोड़ रुपए हवाला से आया है, उसका अन्य प्रदेशों से जहां जहां से भी है उस पर कार्रवाई कराना, सेंट्रल एजेंसीज का सहयोग लेना, उनको सहयोग देना, तो ये सब चीजें अभी चल रही हैं। उमर गौतम और उसके साथियों ने धर्म परिवर्तन कराने की बात तो मानी है, लेकिन वो उसे कानूनी बता रहे हैं।
लेकिन धर्म बदलवाने के लिए कोड वर्ड का इस्तेमाल, विदेशी फंडिंग और धर्म परिवर्तन का तरीका ये बता रहा है कि ये मामला सिर्फ धर्म बदलने का नहीं है, बल्कि इसके आगे अभी बहुत कुछ और है। लखनऊ से संवाददाता रणवीर की रिपोर्ट। इस गैंग का सरगना है उमर गौतम, जो खुद हिंदू से मुस्लिम बना है और ये लगातार कह रहा है कि उसने जो किया वो कानून के दायरे में किया। भारत का संविधान ये इजाजत भी देता है कि आप अपनी मन मर्जी से अपने धर्म का परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि जब सब कानूनी था तो कोर्ट में बात क्यों चल रही थी? और हाँ, हम आपको ये भी विस्तार से बताने जा रहे हैं कि बात कोर्ट में होती थी और पैसे विदेश से आते थे। आप धर्म परिवर्तन वाले इस गैंग के मनी ट्रेल को भी जरा समझ लीजिए। फंडिंग के लिए उमर गौतम और उसके परिवार के लोगों के खातों का इस्तेमाल किया गया। इनके खाते में इस्लामिक देशों के साथ ही कनाडा से भी बहुत बड़ा फंड नोट किया है जांच एजेंसियों ने। गिरोह के तार कनाडा से कतर तक फैले हुए दिखाई दे रहे हैं। असम की एक संस्था से भी उमर गौतम को रकम मिली है, ऐसा कि हमको सूत्र बताते हैं। इस्लामिक दवा सेंटर के बैंक खाते में विदेश से पैसे मिलने के पुख्ता सबूत मिले हैं और दवा सेंटर वही है जिसको उमर गौतम खुद देखा करता था। एटीएस को यह भी पता चला कि विदेश से आने वाले पैसा हवाला के जरिए भारत पहुंचता था। इसी पैसे का इस्तेमाल धर्म परिवर्तन के लिए किया गया। उमर गौतम ने धर्म बदलवाने के लिए एक ऐसा मॉडल तैयार किया जो किसी बिजनेस के लिए तैयार किया जाता है। आप हमारी ये रिपोर्ट देखेंगे तो समझ में आएगा कि कितने शातिराना तरीके से गुपचुप चल रहा था धर्म परिवर्तन का ये बेहद खतरनाक खेल। देवऋषि कैसे बना तानिश, मनोज को इब्राहिम किसने बनाया, कविता विश्वकर्मा क्यों बनी गजाला, एक नहीं दो नहीं पूरी लिस्ट देखते जाइए। इस लिस्ट में सैकड़ों नाम आपको दिख जाएंगे। ये लिस्ट बताती है कि धर्म परिवर्तन के इस रैकेट की जड़ें कितनी गहरी हैं। लेकिन अब एबीपी न्यूज आपको बताने जा रहा है धर्म परिवर्तन के इस खेल का बिजनेस मॉडल, वो मॉडल जिसकी जड़ में है पैसे का खेल। धर्म परिवर्तन के इस काले खेल के सरगना उमर गौतम ने पूछताछ में बताया है कि वो पहले मूक बधिर छात्रों को हिंदू से मुस्लिम बनाता था। जिन लोगों का धर्म बदला जाता था उनकी एक टीम बनाई जाती थी। ये टीम दूसरे लोगों को धर्म परिवर्तन के जाल में फंसाती थी। धर्म परिवर्तन करवाने वाली टीम के सदस्य को एक धर्म परिवर्तन के एवज में पैसे मिलते थे। आपने बिजनेस का चेन मॉडल सुना होगा, ठीक उसी तर्ज पर उमर गौतम और उसकी टीम धर्म परिवर्तन के चेन मॉडल के जरिए देश के कई राज्यों में धर्म बदलने का काला खेल खेल रही थी। गिरफ्तार आरोपी राहुल भोला ने 7 मूक बधिर छात्रों का धर्मांतरण कराया तो मन्नू यादव उर्फ अब्दुल मन्नान ने 6 का। अब यूपी एटीएस इनके बैंक खातों को फ्रीज कर लेन देन की जांच कर रही है, लेकिन अब तक की पड़ताल से ये बात तो साफ हो चुकी है कि धर्म बदलने के लिए गैंग मोटी रकम खर्च कर रहा था। ये बहुत ही सोची समझी प्लानिंग है हिंदुओं के खिलाफ, और इसमें बाहर का पैसा है, पाकिस्तान का पैसा है, हर देशों का पैसा लगा है, और लाखों लोग इस देश में हिंदू लड़कियों को खत्म करने के लिए, हिंदू सनातन धर्म को खत्म करने के लिए एक सोची समझी साजिश है, और मैं सदन में ये बात जरूर उठाऊंगा और जोर से उठाऊंगा। अब सवाल यह है कि इस गैंग के पास इतना पैसा आखिर आ कहां से रहा था, कौन है जो इनकी फंडिंग कर रहा था। एटीएस की जांच में पता चला है कि धर्म परिवर्तन के लिए उमर गौतम के पास पैसा विदेशों से आ रहा था। हवाला के ट्रांजैक्शन से अन्य देशों से आया है पैसा, और उसमें पैसा जो भेजने वाले हैं वो क्यों भेज रहे हैं ये भी देखना जरूरी होता है, क्योंकि अगर वो संस्था से भेज रहे हैं क्यों भेज रहे हैं, किस आधार पर भेज रहे हैं, वो पैसा भी लीगली आया है नहीं आया है, ये सब चीजों को जांच पड़ताल की जा रही है। इन तमाम खुलासों के बाद अब केंद्र सरकार की एजेंसियों के कान भी खड़े हो गए हैं और धर्म परिवर्तन के इस रैकेट की जड़ें तलाशने की कोशिश तेज है। भारत सरकार इस विषय पर सभी ऑर्गेनाइजेशंस को, सभी व्यक्तियों को, सभी संस्थाओं को हम हिसाब मांग रहे। इलीगल पैसे बताकर मास कन्वर्शन नहीं होना चाहिए, इस विषय पर पूरा ध्यान भारत सरकार दे रही। सवाल यह है कि धर्म परिवर्तन का ये खेल सिर्फ हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए हो रहा था
या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी। यूपी में धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा है तो वोट के लिए जाति गणित का मेल भी चल रहा है। इस कड़ी में अब चाहे बीएसपी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, सबकी एक नजर अनुसूचित जाति के वोट बैंक पर गड़ी हुई है। आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लखनऊ में अंबेडकर स्मारक का शिलान्यास किया है, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर की 25 फीट ऊंची प्रतिमा लगनी है। वहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। आखिर डॉक्टर अंबेडकर के बहाने बीजेपी चाहती क्या है, अब जरा इसको समझ लीजिए। अनुसूचित जाति का वोट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और उस पर बीजेपी की भी नजर है। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति करीब 22% है और बीजेपी के लिए ये वोट इसलिए भी अहम है कि पिछले विधानसभा चुनाव में एससी वर्ग का करीब 40% वोट भारतीय जनता पार्टी के खाते में गया था। तब बीजेपी ने 312 सीटें 403 में से यूपी में जीती थी। इस बार भी अगर वो 300 के पार का सपना देख रही है तो ये एससी वोट के बगैर संभव बिल्कुल नहीं है। साथ ही एससी वोटों के दावेदार मायावती और चंद्रशेखर की काट के रूप में भी बीजेपी की ये चुनावी रणनीति हो सकती है। इसीलिए लखनऊ में संविधान बनाने वाले बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति पर राजनीति शुरू हो गई है। मायावती से लेकर भीम आर्मी वाले चंद्रशेखर तक को लगता है कि चुनाव आया तो योगी सरकार को अंबेडकर याद आए। आपको बता दें कि लखनऊ में बीएसपी के शासनकाल में बहुत से ऐसे स्मारक हैं, प्रतिमाएं हैं जो बाबा साहब अंबेडकर और एससी समाज के उत्थान के लिए बनाए गए थे और वो बहुत इजीली विजिबल हैं और बहुत बड़ी तादाद में दिखाई भी देते हैं। ऐसे में अब एक बार फिर अंबेडकर के नाम पर प्रतिमा लगाना, स्मारक बनाना, इसीलिए बीजेपी के मंसूबे पर अब उनके विरोधी सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए मेरे सहयोगी पंकज झा की रिपोर्ट। उस नारे से बाहर निकलिए कि ब्राह्मण शंख बजाएगा। अब शंख बज रहा है तो वोट के गणित को अनुसूचित जाति से जोड़कर देखा जा रहा है। आखिर ये मौका भी था और दस्तूर भी, क्योंकि स्मारक संविधान बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर बन रहा है। जब भी वंचितों, दलितों, उपेक्षितों और समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की आवाज की बात होगी तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम बड़ी श्रद्धा, बड़े सम्मान के साथ विश्व मानवता से लेगा। उत्तर प्रदेश में एससी वोट हमेशा से निर्णायक रहे हैं। उसकी बुनियाद पर लंबे अरसे तक कांग्रेस राज करती रही और फिर उसी के दम पर मायावती ने सत्ता का चौका लगाया और पिछली बार अगर बीजेपी को प्रचंड जीत मिली तो दलित वोटों की उसमें बड़ी भूमिका थी। अब विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आया तो बीजेपी को अंबेडकर की याद आई है। मायावती ने एक के बाद एक चार ट्वीट किए जिसका भाव यही था कि ये सब नाटक से ज्यादा और कुछ नहीं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व उनके करोड़ों शोषित पीड़ित अनुयायियों का सत्ता के लगभग पूरे समय उपेक्षा व उत्पीड़न करते रहने के बाद अब विधानसभा चुनाव के नजदीक यूपी भाजपा सरकार द्वारा बाबा साहेब के नाम पर सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास करना ये सब नाटकबाजी नहीं है तो और क्या है। मायावती जी का जिस बात का स्वागत करना चाहिए उसका विरोध करना मैं समझता हूँ अच्छा नहीं है। अनुसूचित जाति के हित का सवाल चुनावों में क्यों अहम हो जाता है, इसको ऐसे समझिए। उत्तर प्रदेश में एससी की आबादी करीब 4,13,00,000 है, यानी कुल आबादी का 22%। विधानसभा की कुल 403 सीटों में 86 सीटें एससी एसटी के लिए रिजर्व हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी और उसके सहयोगियों को इनमें 76 सीटों पर जीत मिली थी। समाजवादी पार्टी को 7, जबकि मायावती की पार्टी बीएसपी को सिर्फ 2, वहीं एक सीट निर्दलीय उम्मीदवार को मिली। वैसे ही पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो यूपी की 80 सीटों में एससी एसटी के लिए 17 सीटें आरक्षित थी, इनमें बीजेपी और सहयोगियों को 15 सीटों पर जीत मिली, जबकि 2 सीटें मायावती के खाते में गईं। पिछले लोकसभा चुनाव से विधानसभा चुनाव तक बीएसपी की एससी पर कमजोर होती पकड़ को अब भीम आर्मी वाले चंद्रशेखर ने पकड़ लिया है। चुनाव से पहले एक सकारात्मक गठबंधन बनेगा और वो गठबंधन
जिसमें मैं गांव-गांव घूम के, विधानसभा घूम के, जिला घूम के जो है ना भाजपा को रोकने के लिए शेड्यूल कास्ट के लोगों को, बैकवर्ड के लोगों को, माइनॉरिटी के लोगों को तैयार करूंगा कि भाई वो अपनी जिम्मेदारी को अदा करें। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही एससी वर्ग से टकराव की खबरें आई। इसी चंद्रशेखर के साथ महाराणा प्रताप की जयंती पर स्थानीय अफसरों के साथ टकराव हुआ, जिसमें चंद्रशेखर पर एनएसए भी लगा। तब से अनुसूचित जाति के हितों का सवाल सत्ता के गलियारों से टकराता रहा। लेकिन अब चुनाव आया है तो अंबेडकर की 25 फीट ऊंची प्रतिमा की भव्यता में 22% वोटों को जोड़कर देखा जा रहा है। तो देखा आपने, कहीं अनुसूचित जाति के वोट का खेल चल रहा है तो कहीं पिछड़े वर्ग की जातियों के वोट को लुभाया जा रहा है, तो कोई मुस्लिम वोट बैंक की चिंता कर रहा है। अब चुनाव सर पर है तो ये सारे समीकरण ऐसे ही साधे जाएंगे। वक्त है उस शब्द को आप तक पहुंचाने का जो मैंने सुबह ट्विटर पर पोस्ट किया, और वो शब्द है चेहरा। आपके ढेरों संदेश में से दो चुने हुए संदेश आपको सिखाते हैं। अजय मिश्र ने पोस्ट किया है, तू छोड़ दे कोशिशें चेहरा परखने की, यहाँ जरूरतों के हिसाब से चेहरे बदलते हैं सभी, कोई संयोग से मिल जाता है जिसमें नकाब ना हो कभी। साक्षी सिंह लिखती हैं, चेहरा है तुम्हारा या नूर का भंडार है, श्याम सा है चंचल जिसमें बसता मेरा पूरा संसार है। चेहरा क्या है, ये इंसान की पहली पहचान है, इंसान अपने चेहरे से ही पहचाना जाता है। वो इंसान आपस में मिल सकते हैं लेकिन दोनों के चेहरे कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते। फिल्मों के डबल रोल को छोड़ दें, ईश्वर चेहरा का दिया वो आधार कार्ड है जो उम्र भर नहीं बदलता है। चेहरा आपके दिल का आईना है, जो आपके दिल में है वो चेहरे पर नजर जरूर आता है। कई चेहरों के भीतर छिपे हुए चेहरे होते हैं और कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर चांद के निकलने का एहसास होता है। ABP News आपको रखे आगे।